दोस्तों, अगर आपका कोई भी शिकायत रहता है बैंक या फिर एनबीएफसी से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइदर कस्टमर केयर को कॉल करते हैं या फिर ईमेल करते हैं, और अगर जो दिया गया आंसर या फिर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल जो है कंप्लेन करते हैं। उस सिनारियों में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट लेवल जो है हमारा क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आरबीआई ने ठान लिया है कि बैंकिंग का जो भी लूपहोल है, जहां जहां पे बैंक जो है लूपहोल का फायदा उठा के कस्टमर के कंप्लेन को इग्नोर करते हैं, वो सारी चीज को जो है आरबीआई धीरे धीरे ठीक करने में लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में एक ऐसा गाइडलाइन लाया है जहां पे कस्टमर के कंप्लेन को इग्नोर करना बैंक या फिर एनबीएफसी को बहुत जो है भारी पड़ने वाला है। कौन सा गाइडलाइन, आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इससे क्या फायदा या फिर क्या मदद आपको होगा, वो भी आप जो है जान पाओगे इस वीडियो का मदद से। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो, ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आगे जाने से पहले आप सभी को सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो अभी 1 लाख से ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, ये केवल मेरा मेहनत का फल नहीं है, ये आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। तो आप सभी लोगों को दोबारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब भी हमारा लेवल 1 में कोई भी कंप्लेन जाता है, तो वहां पे अगर हमको कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता, तो हमको सेकेंड लेवल पे जो है अप्रोच करना पड़ता है। दोस्तों, लेवल 2 जो होता है, एक बैंकिंग लैंग्वेज में जिसको बोला जाता है ओम्बड्स पर्सन, यहाँ पे होता क्या है, एक सीनियर ऑफिसर या फिर सीनियर एस्केलेशन डेस्क रहता है, जहां पे लेवल 1 का जो भी खामियां है, जो भी कंप्लेन है, उसको रिजोल्व करने के लिए दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बता देना चाहूंगा, इस डेस्क पे बहुत सारे से टूल्स या फिर बहुत सारे से पावर दिया रहता है, जो कि फ्रंट ऑफिस या फिर लेवल 1 पे नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे अगर आपका कंप्लेन आता है, तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत जो है जल्दी से मिल जाता है। या फिर ऐसा भी कंप्लेन होता है जहां पे लेवल 1 पे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन लेवल 2 पे जाके जो है रिजोल्व कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बता देना चाहेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क नहीं था अभी तक, जहां पे कस्टमर को रेजोल्यूशन देने के लिए कोई टाइम फ्रेम या फिर समय सीमा बाउंड था। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये बोल दिया कि लेवल 2 पे जितना भी कंप्लेन आएगा, मतलब ओम्बस पर्सन पे जितना भी कंप्लेन आएगा, उसको आपका फाइनल रेजोल्यूशन जो है विद इन 30 डेज ऑफ फर्स्ट कंप्लेन, मतलब जिस दिन कंप्लेन एस्केलेट होगा लेवल 2, उस दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर आपको फाइनल जो है डिसीजन देना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारा बैंक इस प्रोसेस का लूपहोल लेके अपना अपना इंटरनल पॉलिसी बना के रखा था, जिसके चलते कस्टमर को रेजोल्यूशन मिलने में बहुत देर होता। यहाँ पे आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप बैंक के पास अप्रोच करते हो और बैंक का दिया हुआ रेजोल्यूशन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो आफ्टर 30 डेज आप हमारे पास आ सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे होता क्या था कि लेवल 1 पे आपको 10-15 दिन चला गया, फिर लेवल 2 पे गया और 1-1.5 महीने, मतलब आरबीआई के पहुंचते पहुंचते आपका कंप्लेन 2 से 3 महीने का हो जाता था। तो इसको कम करने के लिए आरबीआई ने फाइनली ये जो है गाइडलाइन लाया है, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों, ये कस्टमर बेनिफिट के लिए और कस्टमर का जो रेजोल्यूशन है उसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए लाया गया है। और दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल लिंक है जहां से मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर घर बैठे लोन चाहिए, दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।